टीकमगढ़ में दो दिवसीय प्रवास के दौरान सागर आईजी ने पुलिस थाना प्रभारियों की आज बैठक ली, जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दो दिवसीय टीकमगढ़ प्रवास के दौरान सागर आईजी अनुराग ने टीकमगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में गुरुवार की दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त थाना प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया, SDOP कृष्णपाल सिंह के साथ समस्त थाना प्रभारी को जिले में लॉ एंड आर्डर की लचर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और महिला अपराधों पर नियंत्रण करने एवं आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित करने के साथ वर्षों से चल रहे लंबित प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं उचित कार्यवाही को लेकर निर्देश दिए गए। इसके बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त पत्रकारों से रूबरू हुए। साथ ही टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2007 में पुलिस अधीक्षक के रूप में दी गई सेवाओं को याद किया और टीकमगढ़ की जनता की भरपूर प्रशंसा की। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज हमारी मीटिंग हुई, सभी थाना प्रभारी भी यहाँ आए थे और इस मीटिंग में मुख्य रूप से जितने भी गंभीर अपराध हैं, हत्या के प्रयास, लूट, बड़ी चोरियाँ, बलात्कार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और वीकर सेक्शंस के विरुद्ध अपराध, उन सारे अपराधों जो पेंडिंग बचे हुए हैं जिसमें आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, उसकी समीक्षा की गई और इस संबंध में उन लोगों को थोड़ा दिशा निर्देश भी दिया गया कि जो भी भागे हुए हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन बचा हुआ है, टीम बना के वैसे फरारी या फिर भागे हुए अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े और समय सीमा में सारे प्रकरणों का निराकरण करके न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें। इसके अलावा चिन्हित अपराध पर भी हम लोग विशेष रूप से जोर देते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमारा पर्पस रहता है कि जल्द से जल्द विवेचना करके और ट्रायल भी जल्द से जल्द पूरा करें। चिन्हित प्रकरणों को भी हमने SDOP, सभी SDOP को, एडिशनल SP को, SP साहब को भी मैंने बताया कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और अगर कोई इसमें आरोपी बरी हो जाता है तो उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका समीक्षा करें और अकॉर्डिंगली नियम के हिसाब से उसमें कार्रवाई करें। इसके अलावा महिलाओं के प्रति और वीकर सेक्शंस के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता बनी रहे और बढ़ाने की ज़रूरत है तो उसको बढ़ाई जाए और संवेदनशील रह के उनके समस्याओं का को सुने और उसका निराकरण करें। आने वाले समय में जो कानून व्यवस्था वाली जो कुछ त्यौहार आने वाले हैं, कुछ त्यौहारों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। महाशिवरात्रि है, होली है, सभी बारात है, उन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ें चीज़ों की ज़रूरत है, शांति समिति की बैठक लेनी है, लोगों से बात करनी है, करें ताकि ये त्यौहार सभी त्यौहार अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में इसका संपन्न हो सके। अवैध गतिविधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि इसका हर महीने एक समीक्षा होती है शासन स्तर पर, जिसमें शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई, अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई, मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई, जुआ सट्टा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, इन सब चीज़ों पे कार्रवाई के लिए हमने यहाँ के अधिकारियों को निर्देशित किया है, इसमें वो कार्रवाई करेंगे। और जो भी पुलिस से रिलेटेड जितने भी मैटर आते हैं, उन सब मैटर को कोई शिकायत आती है या फिर जो भी अपराध होता है, उसका नियम के हिसाब से फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और किसी तरह का पार्शियल व्यू नहीं रखें, ये हमने निर्देशित किया है। सर, थाने में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं और आरक्षक हैं, क्या सर जिनकी डी चल रही है, जांच चल रही है, उनको थाना प्रभारी या सर पुलिस आरक्षक उस थाने में रखा जा सकता है या अभी इसको लेकर कोई वो करेंगे जब तक डी चल रही है, जब तक उनको ना रखा जाए? अगर ऐसा कोई प्रावधान है इसको नहीं रखा जाना है तो फिर उस पर हम करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे होते हैं कि थाना प्रभारियों का पदस्थापना जिले में PHQ के द्वारा, शासन के द्वारा किया जाता है, तो अगर सभी थाना प्रभारी यहाँ आए हैं, अगर किया गया है तो फील्ड में उसकी पोस्टिंग तो करनी पड़ती है। बट अगर डी किसी की चल रही है, अगर वैसी डी है जो मॉरल टर्पिट्यूड और इस तरह के मामले हैं, वो गंभीर प्रकरण है और उसको नहीं होना चाहिए थाने में, तो उसके तो केस टू केस हम उसकी समीक्षा करके उस पर निर्णय लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।